Assalamualaikum, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ब्यूटिफुल सनी मेलबर्न। पीछे मेरे सीबीडी है, टाउन सेंटर है और पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। विश देम ऑल द लक और नए लड़कों को, स्पेशली नए लड़कों से मराज हफीज आया है, क्रिकेट डायरेक्टर स्लैश कोच वहाब आया है, चीफ सिलेक्टर कामरान अकमल, लनको सारे, इनको थोड़ा टाइम दें। ये प्रेजेंट क्रिकेटर्स हैं, इनकी बारी है, लेट्स गिव देम वन ईयर। और एक और एडवाइस कि हर 3 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, स्टिक टू योर डिसीजन। जो डिसीजन अगर किया है तो पता होना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे क्या नहीं होंगे, वो पहले डिसाइड करो। अगर आप लोगों के चौंती माइंड ने तो टीम के भी यहाँ माइंड ऐसे होंगे। सो स्टिक टू योर डिसीजन, जो करना है उसमें स्टिक करो, कुछ नहीं होता, बी ब्रेव। और कई दफा मेरा दिल करता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख के। Assalamualaikum, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ब्यूटिफुल सनी मेलबर्न। पीछे मेरे सीबीडी है, टाउन सेंटर है और पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। विश देम ऑल द लक और नए लड़कों को, स्पेशली नए लड़कों से मराज हफीज आया है, क्रिकेट डायरेक्टर स्लैश कोच वहाब आया है, चीफ सिलेक्टर कामरान अकमल, लनको सारे, इनको थोड़ा टाइम दें। ये प्रेजेंट क्रिकेटर्स हैं, इनकी बारी है, लेट्स गिव देम वन ईयर। और एक और एडवाइस कि हर 3 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, स्टिक टू योर डिसीजन। जो डिसीजन अगर किया है तो पता होना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे क्या नहीं होंगे, वो पहले डिसाइड करो। अगर आप लोगों के चौंती माइंड ने तो टीम के भी यहाँ माइंड ऐसे होंगे। सो स्टिक टू योर डिसीजन, जो करना है उसमें स्टिक करो, कुछ नहीं होता, बी ब्रेव। और कई दफा मेरा दिल करता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख के,